डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए साइंस पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, साइंस में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं मोशन पढ़ रहे हैं, और मोशन का पूरा तरीके से बोला जाए कि चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ है, हालांकि थ्योरी हम लोग पूरे अच्छे से कंप्लीटली तौर पे किए हैं। उसके पीछे एनसीईआरटी के किताब के एनसीईआरटी बुक से हम लोग चल रहे, तो उसके पीछे एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए भी हुए हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ है। तो चलिए, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चन तक के किया है, आगे हम लोग 7 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 7 से स्टार्ट किया जाए। सातवां क्वेश्चन लिखा जाए, सातवें नंबर, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड का स्पेलिंग DROPPED ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाईएस्ट ऑफ 20 मीटर फुल स्टॉप इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कॉमा विथ व्हाट वेलोसिटी will it strike the ground? Question marks. After what time? Will it strike the ground? चलिए, बोला जा रहा है इसमें कि एक बॉल को ऊपर से छोड़ा जाता है ग्राउंड पे गिरने के लिए। तो ग्राउंड से कितना हाइट पे? तो 20 मीटर हाइट पे। यानी कि इसमें हम लोगों को बोला कि एक ग्राउंड फ्लोर है, अब ग्राउंड फ्लोर से 20 मीटर की हाइट पे एक बॉल को छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है। तो अभी अगर मान लिया कि बॉल को अगर पकड़ के अगर हम लोग खड़ा रहेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल यानी कि u = 0 होगा, ठीक है। जब छोड़ देंगे तो बोल रहा है कि कितना एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि उस बॉल को जो ऊपर रखा जाता है ग्राउंड से, यानी कि हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, यानी कि सवाल में हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, तो सातवा में गिवन दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऊपर से रिलीज करते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं, तो जिस टाइम अगर ऊपर पकड़े हुए हैं, तो उस टाइम पकड़े हुए हैं तो वो तो रेस्ट में है ना ऑब्जेक्ट या बॉल, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना करेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। जैसे ही वो रिलीज होगा, यहां से छोड़ेंगे,
तो वो जो एक्सेलरेशन प्राप्त कर रहा है, अटेंड कर रहा है, वो कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एस का वैल्यू दिया 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर हाइट पे उसको छोड़ा जा रहा है, और एक्सेलरेशन कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर सवाल ये बोल रहा है कि आप ऐसा वेलोसिटी निकालिए जो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक का मतलब कि जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरेगा, कौन, वो बॉल, तो उसका लास्ट वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि वो वेलोसिटी निकालना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और फिर इसी में सवाल क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम स्ट्राइक टू द ग्राउंड, यानी कि जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को स्ट्राइक होने में, ग्राउंड तक आने में, ग्राउंड को छूने में। तो यहां पे टी का भी वैल्यू निकालना है। सबसे पहला कि हम लोगों का फार्मूला होता है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, 2as = v² - u² होता है ना, इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया है, 2as = v² - u², 2 into a का वैल्यू कितना 10, s का वैल्यू कितना 20, v स्क्वायर, चूंकि v का तो वैल्यू निकालना है तो यहां पे v का v छोड़ देंगे, माइनस u के जगह पे कितना, तो 0 का स्क्वायर, तो टोटल मिलके कितना हो गया, तो इसको गुना करेंगे 2 into 10 into 20, तो ये हो जाएगा 400, और यहां बन जाएगा v स्क्वायर में से अगर 0 का स्क्वायर घटाएंगे तो v स्क्वायर। अब हमको पता है ना कि चूंकि v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू निकालना है तो यहां स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, इसलिए v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 400, यानी कि 20, 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ध्यान दीजिएगा कि उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और उसका टाइम कितना लगेगा, तो एक और फॉर्मूला से जानते हैं हम लोग, अगेन टाइम कैसे निकलेगा, तो v = u + at, राइट, v का जितना वैल्यू कितना है 20, u का वैल्यू कितना है, तो u का वैल्यू 0 इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 10, इंटू t का वैल्यू कितना, तो t का तो वैल्यू निकालना है, निकाल दिया। अब यहां पे तो अगर हम लोग देखा जाए तो 20 का 20, ये तो 0 से कोई माने मतलब नहीं है, तो 10t, इसलिए t का वैल्यू 20/10, क्योंकि 10 से क्या होगा, यहां पे डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार में कटेगा 2, तो इसलिए इसमें टाइम जो आएगा टोटल टाइम कितना होगा 2 सेकेंड, और वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग 7 का इसका आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा जाए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो 8 नंबर पे हम लोग आते हैं। 8 नंबर लिखा जाए क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर 8.12। अब यहां पे आपको जो है ना बुक में, अगर आपके पास बुक होगा तो फिगर जरूर बनाइएगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिगर 8.12 में एक ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड टाइम ग्राफ। इधर देखिए स्पीड है,
जो मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। और एक तरफ टाइम है, और ये टाइम किस में है, ये टाइम सेकंड में है, ठीक है। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पे अगर बात करते हैं तो यहां पे भी टू टू का दिया हुआ है, टू सेकेंड, फोर सेकेंड, सिक्स सेकेंड, एट सेकेंड, टेन सेकेंड आगे बढ़ रहा है। यहां पे भी दिया है टू मीटर पर सेकेंड, फोर मीटर पर सेकेंड, सिक्स मीटर पर सेकेंड, एट मीटर पर सेकेंड, टेन मीटर पर सेकेंड। और इसमें जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से है, ऐसे ग्राफ गया है, ठीक है, ग्राफ ऐसे गया है। स्पीड टाइम का यही ग्राफ है, आप इस ग्राफ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो और क्लियर कट है इसमें, क्योंकि बोर्ड पे अच्छे से नहीं बन पा रहे, लेकिन फिर भी ठीक है, यहां पे ज्यादा ऊंचा हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ स्पीड टाइम का ग्राफ है, जो एनसीईआरटी में लिखा है कि ये फिगर कितना में है, 8.12 में, फिगर 8.2 में है। अब उसी में देखकर कुछ सवाल का जवाब देना है, तो हम अभी बोले कि फिगर शोन इन फिगर, एक कार जो है ट्रेवलिंग करता है इसी स्पीड टाइम ग्राफ में जैसा दिया हुआ वैसे। अब इसको बनाने के बाद उसके नीचे क्वेश्चंस लिखेंगे ए एंड बी ग्राफ के नीचे, जैसे कि हम लोग सिक्स वाले सवाल में ग्राफ वाला किए थे कि ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ को देखकर बताना था, सेम कंडीशन वैसा ही है, लेकिन इसमें स्पीड टाइम ग्राफ है, एक तरफ स्पीड है दूसरे तरफ टाइम है, और ये ग्राफ है। अब उस ग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन है ए एंड बी, तो ग्राफ अच्छे से दिख रहा होगा, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर ए नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम बोलते हैं लिखा है ए नंबर क्वेश्चन, फाइंड how far does the car travel the first four second full stop, shade the area on the graph, shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car, that represent the distance traveled by the car during the period and b number is, इसका दो क्वेश्चन है तो ए भी लिखे हम लोग, बी वाला क्वेश्चन लिखा जाए, which part of the graph represent which part of the graph represents uniform motion of the car, uniform motion of the car। चलिए तो हम लोगों का ये क्वेश्चन ए और बी दोनों ही कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को समझना है कि ए नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि जो ग्राफ देख रहे हैं आप, एक तरफ टाइम है एक तरफ स्पीड है, तो फोर सेकेंड में जितना ग्राफ शेडेड हो सकता है उसको कलर करना है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे चार, फोर सेकेंड तो ये है, तो इसके सामने का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके बीच के एरिया को शेडेड करना है, यानी कि रंगना है, कलर करना है, चार सेकेंड के बीच में जो एरिया आ रहा है उसको हम लोगों को क्या करना है,
रंगना है, कलर करना है, यहां पे कलर कर दिया, ठीक है, ये यहां पे कलर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहां पे एरिया शेडेड हो गया, यहां पे 4 सेकेंड में बोल रहे हैं कि इसमें टोटल एरिया डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए सवाल ए नंबर में ग्राफ का काम है, तो ग्राफ में तो ऐसा कर देना है। ए नंबर सवाल में बोल रहा है कि आप डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस जो है निकालना है कब, जब टाइम दिया है, कितना सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है, अब टाइम हमें दे दिया 4 सेकेंड, और आप फ्रॉम ग्राफ से देख पा रहे होंगे कि इसका स्पीड कितना का है, तो जब आप निकालेंगे तो पता चलेगा कि 6.2 के समथिंग है, यानी कि 6 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि इसका जो स्पीड है, स्पीड कहां से, तो इन ग्राफ, ग्राफ में, ठीक है, स्पीड कितना है, तो 6.2 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। तो स्पीड कितना है ग्राफ में दिया होगा 6.2, और टाइम कितना सवाल में दिया 4 सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.8 मीटर, तो पहला का आंसर हो गया। और दूसरा में बोल रहा है कि ग्राफ को देखकर ये बताइए कि इसमें यूनिफॉर्म मोशन कब से कब तक हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कब से ये सीधा चलना शुरू किया, तो यहां पे देख पा रहे होंगे आप कि 6 टाइम से, टाइम कितना 6 पे, यानी कि जब टाइम 6 से लेकर हम लोगों का जो यहां पे कार का स्पीड है, मोशन है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो यहां पे आंसर लिख देंगे। बी का आंसर क्या लिखेंगे उसको जरा देखिए, ए को तो कंप्लीट हो गया, ए ने बोला कि आप ग्राफ में एरिया को शेडेड करिए, शेडेड का मतलब कलर कीजिए, कहां तक के, 4 तक के, 4 सेकेंड तक के। और दूसरा वाला बी सवाल में बोल रहा है कि आप ग्राफ को देखो और इसमें ये बताओ कि कब, When the car traveled uniform motion, यानी कि uniform motion में वो travel कर रहा है कब से, तो when greater than t का value 6, यानी कि t का value 6 सेकेंड के बाद, after 6 सेकेंड the car will be uniformly traveled motion, uniformly motion, तो यहां लिखेंगे after 6 सेकेंड कॉमा द कार विल बी ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, तो ये बी का ये आंसर हो जाएगा कि 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद, यानी कि 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना भी हो रहा है, ग्राफ को यह देखकर पता चला जा रहा है, चल रहा है कि यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गया है, कार का ग्राफ कैसा है, कहां से स्ट्रेट लाइन है, तो 6 से, क्योंकि इधर तो मुड़ा हुआ है ना, इसलिए यहां से लेकर आगे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। सवाल भी ये बोल रहा था कि आप देखकर बताइए कि कहां से कहां तक यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 अब लिखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके का बोल रहा है, लिखा जाए पहले फिर बताते हैं। अ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग
सिचुएशन सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिज फॉर ईच ऑफ दिज। देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल नाइन का अगर बात करें तो इसमें तीन क्वेश्चंस है। नाइन में कितने क्वेश्चंस है? तीन क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुछ नीचे के कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जिसको देखकर जिसको पढ़कर समझना है आपको कि क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देना है। तो नवा का पहले क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब नीचे का कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो नवा का भी तीन क्वेश्चन है ए बी सी। तो नवा का ए कंप्लीट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, बी कंप्लीट क्वेश्चन, सी का कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, देन उसका हम लोग अब आंसर करेंगे कि ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा और सी का आंसर क्या होगा। यानी तीनों सवाल में क्या बोल रहा था और हम उसका क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानी कि नवा क्वेश्चन में आपको ए बी सी एक क्वेश्चन के तौर पे है, आपको उसका एग्जाम्पल देना है। तो चलिए नवा का क्वेश्चन नंबर ए लिखा जाए। तो क्वेश्चन ए बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट विथ अ एन ऑब्जेक्ट विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी बट विथ जीरो वेलोसिटी। पहला कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया, अब चलिए बी लिखा जाए। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो बी भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। सी नंबर में लिखा जाए एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन सर्टेन सी ई आर टी ए आई एन सर्टेन मतलब किसी खास डायरेक्शन में सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था जरा देखिए क्वेश्चन, कि पहला क्वेश्चन में हम लोगों को बोला कि एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, यानी कि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए और उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए जीरो। तो उसको हम लोग कब बोलेंगे, जिसमें पहला सवाल क्या बोला कि आपको कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए एंड बट विथ जीरो वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी। तो ये कब होगा, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार कि जब कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हैं फेंकते हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है,
कांस्टेंट होता है और उसका जीरो होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें सवाल क्या बोल रहा था कि आपको ऐसा मोशन का एग्जांपल देना है जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाए और वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो इसका आंसर लिखा जाए, आंसर लिखा जाए इसका, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, वर्टिकली का स्पेलिंग VRTICALY, वर्टिकली। सवाल क्या बोला पहला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, जीरो वेलोसिटी होगा। ये कब होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। वर्टिकली का मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। और एक होता है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब अपने से इधर, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली हो गया, और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं ऐसे, तो ये हो गया वर्टिकली। तो वर्टिकली में कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता है, जीरो वेलोसिटी का। डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से होना चाहिए, लेकिन वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए। ये कब होता है, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं ना, हॉरिजॉन्टली का मतलब सामने से ऐसे, तब उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है और उसका स्पीड यूनिफॉर्म होता है। जैसा कि अभी हम लोग ग्राफ में भी देखे, सीधा जा रहा था हॉरिजॉन्टली, यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था। तो उसी तरीके से दूसरा आंसर होगा क्या, ए बॉडी, बी वाला का आंसर लिखिएगा, ए बॉडी थ्रोन THROWN थ्रोन THROWN थ्रोन और मूव इन हॉरिजॉन्टली, हॉरी HORIZONTALLY या हॉरिजॉन्टल लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टली बात देखिए। तो किसी भी बोल सकते हैं बॉडी को अगर हॉरिजॉन्टली में थ्रो करते हैं या मूव करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है और उसका वेलोसिटी कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। एक सी नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जी हाँ, कभी आप सर्कुलर मोशन किए हैं, अगर मान लिया कि एक पत्थर को रस्सी से बांधकर तेजी से घुमा रहे हैं, घुमा रहे पूरा तेजी से घूमते 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 घूमते, अगर मान लिया एट ए टाइम, किसी टाइम अगर रस्सी टूटा या फिर आप छोड़ दिए, तो किसी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जो पत्थर है वो जाएगा। जैसे मान लिया कि यहां पे इसको आप तेजी से पत्थर को घुमा रहे थे, ठीक है, घूमते 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 अगर यहां से छूटा तो कहां भागेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर भागेगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा था कि किसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग मोशन होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोई भी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो सी वाला का एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, सी वाला का आंसर जो होगा वो होगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज द राइट आंसर, जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका मोशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर टोटल 9 तक के क्वेश्चन अभी किया है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, तो 10 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, आज हम लोगों का ये मोशन वाली चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है, हम लोग को एंड हो जाएगी ये चैप्टर 10 वाले क्वेश्चन। पहले बोल देते हैं फिर आप लिखिएगा, लिखेंगे एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4250 किलोमीटर
42250, देखिए 42250 किलोमीटर, यानी 42,250 किलोमीटर फुल स्टॉप. कैलकुलेट इट्स स्पीड, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक, इफ इट टेक 24 आवर टू रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है. बोला जा रहा है कि एक सैटेलाइट है और उस सैटेलाइट का जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका रेडियस कितना है. मान लिया कि ये अर्थ है, ये क्या है अर्थ है. इससे 42250 किलोमीटर के रेडियस पर एक सैटेलाइट घूम रहा है, एक सैटेलाइट घूम रहा है चारों तरफ. उसको इस पॉइंट से स्टार्ट होने में और इसी पॉइंट तक पहुंचने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 24 आवर. ठीक है, और 24 आवर को जब हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो यहां पे 24 को 3600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उतना सेकेंड आंसर हो जाएगा. आंसर नहीं, सॉरी, टाइम का वैल्यू चूंकि घंटा में दिया ना, 24 आवर यानी कि 24 घंटा, उस घंटे को हम लोग सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये सेकेंड में आ जाएगा. तो टाइम हो गया. अब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए चूंकि सर्कुलर पाथ है ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2πr. तो 2 गुना पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू रेडियस कितना, तो 42250 इतना किलोमीटर. तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करके यहां पे किलोमीटर में डिस्टेंस ला दीजिएगा. जब डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम निकाल देंगे, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, नाउ स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, बाई टाइम. तो यहां पे जितना डिस्टेंस आएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है, जितना भी आएगा पॉइंट में आया चाहे ऐसे भी आए, जितना भी आएगा तो डिस्टेंस का वैल्यू ऊपर रख दीजिएगा यहां वाला और टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा. तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा आपको 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड. तो आप इन चीजों को जरा अच्छे से कीजिएगा और आप आंसर खुद मैच कर लीजिएगा कि आता है कि नहीं 3.07. आप इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकालिएगा, डिस्टेंस के जगह पे ऊपर रख दीजिएगा, टाइम के जगह पे नीचे रख दीजिएगा और दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है. डिवाइड करके जो आएगा वो होगा हम लोगों का आंसर. और आंसर कितना होगा, डिवाइड करने पे आएगा कितना, 3.07. तो इस तरीके से हम लोगों का जो मोशन चैप्टर था, फिजिक्स का एक चैप्टर था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो आज बिल्कुल तरीके से खत्म हो गया. फिर नए क्लास में, अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे. तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद.